हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात किया था और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आयनाइजेशन एंथैल्पी से कंपेयर किया था। कंपैरिजन में बात की थी हमने किसी न्यूट्रल कैटायनिक या एनायनिक स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में और ऐड करने में एनर्जी अब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों में कॉमन बात क्या था कि आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते थे या रिमूव करते थे और उससे रिलेटेड जो एनर्जी चेंजेस थे उनकी स्टडी की जाती थी। इसी सिलसिले का जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू किया था पढ़ाना तो 10 प्रॉपर्टीज़ की एक लिस्ट आपको दी थी और बोला था कि फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 4 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब ये 5th प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी डिस्कस करने आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी? 10 An atom of any element to pull the shared pair of electrons towards itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन काई इसका सिंबल है। एटॉमिक रेडियस के लिए तो R इस्तेमाल किया जाता है, R हो, कैपिटल R हो, और आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए IE सिंबल था कॉमन जो प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए EG था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए EA था और इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी के EN। तो ये तो इसका शॉर्ट नोटेशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी के लिए एक सिंबल काई भी बहुत कॉमन है, पॉपुलर है, यूज़ किया जाता है। सो टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्सेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी। तो एक टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पुल करने की। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब एटम को ऐसा बॉन्ड बनाना चाहिए जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। इसके बारे में खास बात जानिएगा, जो यूजली सबसे एंड में पढ़ाया जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सबसे पहले बता दे रहे हैं डेफिनेशन के जस्ट बाद। इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी किसी एक एलिमेंट की किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में हमेशा बताया जाता है, निकाला जाता है। किसी के एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी नहीं बताई जाती, या जो भी वैल्यू है किसी न किसी के रेस्पेक्ट में बताया गया है। इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी एंड इट कैन बी डिफरेंट फॉर सेम एलिमेंट इन इट्स डिफरेंट कंपाउंड्स। यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी कार्बन की बात की तो CH4 में अलग आएगा, CCl4 में अलग आएगा, CO2 में अलग आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी डेफिनेट नहीं है। तो जब डेफिनेट नहीं किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी तो हम कौन सी वैल्यू को याद रखेंगे? तो देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी की वैल्यूज़ निकाली गई हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से उसको निकाला है, जिनको स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी कहते हैं। 3 स्केल्स हम पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे कॉमन, पॉपुलर, मोस्ट एक्सेप्टेड स्केल जो है पॉलिंग स्केल है, उसकी डिटेल सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो पॉलिंग ने जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकेटिव वैल्यू निकाली है वो वैल्यूज़ हम देखेंगे और पॉलिंग के दिए हुए इलेक्ट्रॉनिकेटिव वैल्यूज़ को ही हम यूज़ करते हैं।
जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, एक एलिमेंट के लिए अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग आएगा, लेकिन पॉलिंग ने जो स्केल्स जिस तरीके से मेजरमेंट किया था वो डेफिनेट वैल्यूज़ आई हैं, तो वो डेफिनेट वैल्यूज़ हम पढ़ेंगे पॉलिंग के जरिए कैलकुलेट किए हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तीन इंपॉर्टेंट स्केल हैं, पॉलिंग स्केल, लाइनस पॉलिंग, आपने शायद नाम कभी सुना हो, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ेंगे, नाम तो आपने सुना ही होगा, इनका नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन सुना होगा। पॉलिंग स्केल के बाद मुलिकन जेफे स्केल, ये भी पॉलिंग से कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन पॉलिंग से रिलेटेड है, इस वजह से इस पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। एंड थर्ड वन ऑलरेड एंड रोशो स्केल, ये तीन इंपॉर्टेंट स्केल हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्वियसली पहला आएगा पॉलिंग स्केल, पहली बात इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑन दिस स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। अब कौन सी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज यूज किया जाता है और उससे कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट किया जाता है, ये सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको स्किप कर देते हैं। हाँ, जे एडवांस के लिए जिन लोगों को पढ़ाया जाता है उनको ये बात बताई जाती है, तो वैसे तो हम बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली मना करेंगे कि ऐसी कुछ चीज़ मत पढ़िए जो बियॉन्ड सिलेबस है, क्योंकि जो पेपर आप देख रहे हैं इस तरीके की उलझुल चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो उलझुल है, बट कोई भी चीज़ जो हमारे सिलेबस से बाहर है उसको उलझुल ही मान के चलिएगा, भले ही वो इंटरटेनिंग हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम आपका ले लेगा। तो एडवांस के लेक्चर्स जो होते हैं उनमें पढ़ाया जाता है, तो कभी अगर रेफरेंस में देखना हो, कभी आपका मन न लग रहा हो पढ़ाई में और आप चाहते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड ही कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज उस गली से बचिएगा, उस गली में मत जाइएगा। सो ऑन दिस स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर गिवन विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। फॉर दिस पर्पस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन टू बी 2.05। एनसीईआरटी में देखिएगा तो ये वैल्यू 2.1 मिलेगा, तो उसकी बात हम अभी करेंगे जब हम वैल्यूज बताएंगे, इंपॉर्टेंट वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिव की। तो इन्होंने पॉलिंग स्केल पे जब कैलकुलेट किया था तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.05 माना। अब जब
हाइड्रोजन क्रेसेंट में सारी वैल्यू को कैलकुलेट करना है और इसको एज्यूम ही करना है, तो 2.05 क्यों एज्यूम किया गया? व्हाई नॉट 0, व्हाई नॉट 10, सिंपल नंबर क्यों नहीं एज्यूम किया गया? देखिए, इन्होंने कई तरीके से कैलकुलेशन किए थे, 0 किया, 1 किया, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ को नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करना चाहते थे। यानी इनके हिसाब से दुनिया एक तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कुछ कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कोई स्केल नहीं मिलता है। वैसे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है उसके बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल है जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं, और इसके रिवर्स होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जिसका इंडिपेंडेंट कोई स्केल नहीं मिलता है। तो सब एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाएगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा, तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव आए, इसलिए हाइड्रोजन की वैल्यू बढ़ाते गए, तब तक बढ़ाते गए जब तक सबकी वैल्यू पॉजिटिव ना आ गई। तो 2.05 हाइड्रोजन की वैल्यू जैसे ही रखा गया, सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ गई, इसलिए 2.05 वैल्यू है। अच्छा, तो इस स्केल पे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑन पॉलिंग स्केल। देखिए, पॉलिंग स्केल पे हम कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज लिख रहे हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से ले रहे हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, इसके सिवाय कार्बन, बोरॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन, कार्बन। देखिए, फ्लोरीन की वैल्यू जो दिया जाता है वो 4.0 दिया जाता है, ऑक्सीजन का वैल्यू 3.5, नाइट्रोजन का वैल्यू 3.0 और क्लोरीन का वैल्यू 3.0। ये जो भी वैल्यूज़ हम रिपोर्ट कर रहे हैं एज पर एनसीईआरटी रिपोर्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन का वैल्यू 2.1, फास्फोरस का वैल्यू 2.1, बोरॉन का वैल्यू 2.0, कार्बन का वैल्यू 2.5। ये जो वैल्यूज हमने बताया एज पर एनसीईआरटी है, इसमें थोड़े से चेंजेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डायरेक्ट पूछ ले एग्जाम में, नीट में, तो आप ये वैल्यूज रिपोर्ट करेंगे, यही सही आंसर माना जाएगा, आप इसके लिए लड़ सकते हैं। लेकिन जब सवाल आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो इनमें से कई वैल्यूज जो होते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंज ध्यान रखिएगा। क्लोरीन का एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2.99 है, यानी अगर नाइट्रोजन और क्लोरीन में लड़ाई हुई तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन विजयी होगा। ऐसे ही हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव देखिए एनसीईआरटी में सेम दिया गया, लेकिन हमने बताया था हाइड्रोजन का पॉलिंग स्केल पर एक्चुअल वैल्यू जो था वो 2.05 है, तो इसका मतलब फास्फोरस इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट? हाइड्रोजन। और तो कोई समस्या है नहीं। अब इसका देखिए रोल कहाँ है, इसका रोल है इनके कंपाउंड्स में। जैसे एक अगला चैप्टर ही जब आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बाद रेडॉक्स रिएक्शन, तो पूछेगा NCl3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है। तो अब अगर आप नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी बराबर मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी बराबर है, तो इलेक्ट्रॉनिटी जीरो आनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर आप किसी भी किताब में पढ़ेगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी -3 मिलेगी और क्लोरीन की +1। ये बात इसके हाइड्रोलिसिस से भी आता है कि जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको अमोनिया मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -3 है, और HOCl मिलेगा
जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है। ये सारी बातें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगे आगे। लेकिन अगर इसी को कॉन्ट्रेरी आप PCl3 लेते हैं तो PCl3 में फास्फोरस और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा माइनस होगा वन और फास्फोरस का होगा प्लस थ्री। इसीलिए जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फास्फोरस का H3PO3 बनता है और क्लोरीन का HCl बनता है। यानी यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सी एसिड बना और क्लोरीन का हाइड्रा एसिड बना, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड बना और नाइट्रोजन का हाइड्रा एसिड बना। हाइड्रोलिसिस में जो जनरल हाइड्रोलिसिस हम पढ़ते हैं मैक्सिमम कंपाउंड्स के, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी सेम मान के चलते तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते या इसको लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसी तरीके से पीएच थ्री में अगर फास्फोरस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी बराबर है तो इसमें दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आना चाहिए, जबकि पीएच थ्री में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री लेके चलते हैं और हाइड्रोजन का प्लस वन, तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, हाइड्रोजन से। तो जब आप एक्चुअल वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो ऐसा होगा। अच्छा, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है? फ्लोरीन मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिटी इसी की आती है। अगर ये मैक्सिमम तो मिनिमम कौन है? फ्रेंसियम। फ्रेंसियम की वैल्यू जो आती है वो 0.7 है। वैसे तो सीजियम का भी वैल्यू 0.7 दिया है एनसीईआरटी में, तो लेकिन सीजियम का जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट 0.8 आता है। यानी फ्रेंसियम ये क्लोरीन नहीं है, सीजियम है। तो कहीं कहीं 0.7 दोनों का दे दिया है और कहीं पे फ्रेंसियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सीजियम, फ्रेंसियम नीचे पाया जाता है, उसकी इलेक्ट्रोनिटी कम। ये वैल्यूज जो हैं ये मिनिमम वैल्यूज हैं। हाइड्रोजन की वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसी के रेस्पेक्ट में सब वैल्यूज निकाली गई। कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत डिटेल इसका पढ़ते हैं। CH4 में अगर देखेंगे तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो CH4 में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -4 आएगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात और डिटेल में बताई जाएगी, लेकिन उसकी जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है। तो ये इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरॉन, कार्बन, ये कंपाउंड्स में थोड़े से कंफ्यूजन करते हैं, इस वजह से ये सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू है और ये थर्ड मैक्सिमम है। तो एज पर एनसीईआरटी दोनों की इलेक्ट्रोनिटी बराबर है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लोरीन को स्लाइटली लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव मान के चलेंगे नाइट्रोजन से, फास्फोरस को स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मान के चलेंगे हाइड्रोजन से। अच्छा, एक और किस्सा सुन लीजिए यहाँ पर। पीएच थ्री में फास्फोरस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -3 और हाइड्रोजन का +1। और जब आप BH3 बनाएंगे, अक्सर लोगों को लगता है कि हाइड्रोजन सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन मेटल है, यानी जितने भी नॉन मेटल्स हैं सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है और बोरॉन को अक्सर लोग नॉन मेटल समझ के चलते हैं। तो उस लिहाज से लोगों को लगता है कि बोरॉन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, तो उस कन्फ्यूजन को भी यहीं पर ख़त्म कर देना है कि BH3 अगर आप लिखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन बोरॉन। चाहे स्टैंडर्ड एक्चुअल वैल्यू लीजिए, चाहे एनसीईआरटी की वैल्यू लीजिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब BH3 में बोरॉन के ऊपर +3 चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर -1, ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। तो इसमें किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसी वजह से BH3 की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो BH3 के हाइड्रोलिसिस से मिलता है H3BO3, जिसमें बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगा। और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगा। ये जो हाइड्रोजन है ये H+ के साथ कंबाइन करता है, ये H- है, H+ के वाटर के H+ के साथ कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। लेकिन जब आप PH3 को हाइड्रोलाइज करेंगे तो H3PO3 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन हो गया और एक सवालों की भी झड़ी लग गई यहाँ पर, सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू के बेसिस पर। तो
आगे बढ़ते हैं, पॉलिंग स्केल के बाद आता है मुल्किन ज़ैफर स्केल। सेकंड स्केल है मुल्किन ज़ैफर स्केल। ऑन दिस स्केल इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज मेजर्ड या गिवन एज एन एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिया जाता है न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ऑफ द एलिमेंट। ब्रैकेट देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिया जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल एटम के लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब ये एनर्जी वैल्यूज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एनर्जी था। तो एनर्जी के बहुत से स्केल्स हो सकते हैं, एनर्जी को आप मेजर कर सकते हैं जूल में, किलो जूल में, कैलोरी, किलो कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लीटर एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर जब इसका एवरेज निकालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लेके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको स्पेसिफाई कर दें इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी और एक एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, सो काई इज द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड काई मुल्किन, या कैपिटल एम लिख दिया, एम फॉर मुल्किन, दैट विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई टू। दो वैल्यूज लेके टू से डिवाइड कर दे तो एवरेज आ गया। खास बात क्या है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वैसे एग्जाम में तो कभी क्वेश्चन इस तरीके का नहीं पूछा गया, लेकिन आपको बुक्स में और इंस्टीट्यूट्स के पेपर में ये जब क्वेश्चन मिलते हैं तो न्यूमेरिकल इनके ऊपर बनाया जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दे दी जाती है किलो जूल पर मोल में। तो आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करेंगे, उसका तरीका हमने बताया था, उनका जो रिलेट करने वाला वैल्यू होता है 96 होता है। किलो जूल पर मोल को आप डिवाइड कर दिए 96 से तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मिल जाता है वैल्यू। और दूसरी बात, आपको जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया जाएगा तो उसमें माइनस साइन के साथ दिया जाता है, आप उसको प्लस करेंगे तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलेगा। तो ये चेंजेस न्यूमेरिकल में किए जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज एन एवरेज आता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में दे दिया तो एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल बनेगा इसमें। अब इसकी खास बात क्या है, ये भी एक फॉर्मूले के रूप में, इक्वेशन के रूप में याद रखिएगा। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑन मुल्किन स्केल आर 2.8 टाइम्स हायर देन दैट ऑन पॉलिंग स्केल।
फॉर सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट ले लीजिए उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे निकालिए, पॉलिंग के मेथड से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को यूज करके और आयनाइज्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूज करके आप मुल्किन स्केल पे निकालिए, तो वो वैल्यू जब मुल्किन स्केल पे निकालेंगे तो पॉलिंग स्केल से 2.8 टाइम्स ज्यादा मिलेगा आपको। इट एम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल विल बी, अगर मुल्किन स्केल पे सेम एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेम एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.8 टाइम्स ज्यादा है तो उसको 2.8 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा पॉलिंग स्केल पे, यानी दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज समहाउ रिलेटेड हैं। और पॉलिंग ने तो ये काम नहीं किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूज करके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालें, लेकिन हम चाहें तो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे? इस रिलेशन को यूज करके। मुल्किन स्केल पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू आता है आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द सेम एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर 2.8 ऑलरेडी है, सो दिस विल बी 5.6। शर्त वही रहेगी पुरानी कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिया जाए, और अगर ऐसा सवाल में नहीं किया गया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका यूनिट चेंज करें, और आप अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। सार्कास्टिकली नहीं बोल रहे, बड़ी उम्मीद के साथ बोल रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। फिलहाल मुल्किन स्केल और पॉलिंग स्केल का गठबंधन हो गया, तो अगर हमको मुल्किन स्केल पे इलेक्ट्रॉनिटी दिया गया है 2.8 से डिवाइड करेंगे, पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रॉनिटी सेम एलिमेंट का मिल जाएगा, पॉलिंग पे दिया है 2.8 से मल्टीप्लाई कीजिए मुल्किन स्केल पे मिल जाएगा, और दोनों स्केल पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये काम तो मुल्किन ने किया था, लेकिन हम पॉलिंग स्केल पर भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं, जो काम पॉलिंग ने खुद भी नहीं किया था। ये वैल्यूज उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन अगर आपको पॉलिंग स्केल पे वैल्यूज पता है 2.8 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मुल्किन स्केल पे इन्हीं की इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज मिल जाएंगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज मिलेंगी। सो थर्ड स्केल विल बी व्हाट? अल्रेड रोशो स्केल। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यूज में लास्ट बट नॉट द लीस्ट अल्रेड रोशो स्केल, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, एक एल है कि डबल एल है, थोड़ा सा भूल जाते हैं हम। अल्रेड रोशो स्केल, इस स्केल पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकाली जाती है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डेटा यूज करके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो डेटा आता है वो इस स्लेटर्स रूल के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। तो अल्रेड रोशो स्केल पे ऑन दिस स्केल इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डेटा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑन अल्रेड रोशो स्केल इज द फंक्शन ऑफ जेड इफेक्टिव। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, अगर आप यहां पर प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू डबल तो ये डबल हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, ठीक है? तो ये डायरेक्ट फंक्शन है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका एक पूरा फार्मूला है, वो भी फार्मूला आपके मेडिकल के सिलेबस में नहीं है, उसको भी स्किप कर दे रहे हैं, और ऐसे कोई भी बात जो हम बोलते हैं कि आपके मेडिकल के सिलेबस में नहीं है वो जेईई एडवांस में पढ़ाया जाता है, और जो जेईई एडवांस के भी सिलेबस में नहीं है उसका जिक्र भी नहीं करते हम।
और हम इसलिए बोल देते हैं कि आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि किसी न किसी किताब में इससे रिलेटेड कोई ना कोई बात किया होता है, और अगर वो बात हमने नहीं की तो ऐसा लगता है कि नहीं हमको धोखा दे दिया गया, और एक्चुअली धोखा उस किताब ने आपको दिया है जहाँ पर ये जिक्र कर दिया है आउट ऑफ सिलेबस किसी पॉइंट को उठा के। तो ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा। तो अलर्ट ऑशवेस स्केल के बारे में बस इतना जानेंगे कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कैलकुलेट किया जाता है, और अलर्ट ऑशवेस स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ हैं जैसे पॉलिंग और मुलिकन का रिलेशन है वैसे इसका भी एक रिलेशन होता है, लेकिन उसको भी हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करेंगे पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसकी जो वैल्यूज़ हैं और जो बातें बताई थी हमने कुछ चेंजेस को ध्यान रखने के लिए, उन बातों को ध्यान रखिएगा। उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन हमने बताए थे, NCl3 PCl3 की हाइड्रोलिसिस, BH3 PH3 की हाइड्रोलिसिस, और इसमें हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, इन बातों पे ज़्यादा गौर कीजिएगा। ये काम की बातें हैं, बेकार की बातों में मत पड़िएगा। तो अब हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड यानी लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में किस तरीके का चेंज आता है। पीरियोडिक ट्रेंड जब हम किसी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का देखते हैं तो एक जो पुराना तरीका रहा है कि पहले किसी पीरियड में देखेंगे लेफ्ट टू राइट, सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यूज इंक्रीजेस, तो इसका अगर हम एग्जांपल देखना चाहें देखें, नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज डिफाइन नहीं की जाती, कैलकुलेट भी नहीं की जाती, क्योंकि जिस तरीके से निकाला जा रहा है ये वैल्यूज पॉलिंग स्केल पे बॉन्ड एनर्जीज से निकाला जा रहा है, और उनकी बॉन्ड एनर्जीज वो कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, हालांकि बनाते हैं क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन बनाते हैं, लेकिन हीलियम नियॉन आर्गन बिल्कुल कंपाउंड नहीं बनाते हैं, और जो बॉन्ड एनर्जीज ली जाती हैं वो आइडेंटिकल एटम के बीच की बॉन्ड एनर्जी ली जाती है। तो आइडेंटिकल एटम के बीच यानी क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन से बॉन्ड नहीं बनाता है, ज़ेनॉन ज़ेनॉन से नहीं बनाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ नोबल गैसेस के लिए डिफाइन नहीं किए जाते। तो बाकी अगर हम फर्स्ट पीरियड में बात करें तो हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का डिफाइंड ही नहीं है, हाइड्रोजन का वैल्यू बता चुके हम। अब सेकेंड पीरियड की बात करें तो इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, और इसमें से कई का तो न्यूमेरिकल वैल्यू बता ही चुके हैं। बोरॉन का वैल्यू बताया था हमने 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का 4। तो इस तरीके से ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ऐसे ही थर्ड पीरियड में भी आ जाएगा। तो अब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता, इसलिए बहुत सिंपल सा केस है ये। इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम देखिए डी ब्लॉक में खूब एक्सेप्शंस मिलते हैं। एस जो भी हम जनरल ट्रेंड पढ़ते हैं वो S&P ब्लॉक में पढ़ते हैं। कुछ कुछ ट्रेंड हमने डी ब्लॉक में बता दिया है, जैसे आयनेशन एंथैल्पी में निकल पैलेडियम प्लेटिनम बताया था, डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी बढ़ता जाता है, जबकि इन जनरल आयनेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होता है, कम होता है। तो कुछ केसेस जो कभी कभी एग्जाम में या किसी पेपर में पूछा गया है, कभी बुक में दिया हुआ है, तो वो ट्रेंड हम बता देते हैं। अदरवाइज डी एंड एफ ब्लॉक की डिटेल्स हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर, उनकी डिटेल्स उस चैप्टर में ही पढ़ा जाएगा। तो जो हम पीरियोडिक ट्रेंड जनरली देखते हैं, क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जाते हैं पीरियोडिक ट्रेंड में, वो एस एंड पी ब्लॉक के ट्रेंड्स पूछे जाते हैं। तो अगर एस और पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो इसमें एस और पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन डाउन द ग्रुप एक एक्सेप्शन मिलता है। तो इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज क्या होंगे, डिक्रीजेस। तो अगर हम यहीं पे एग्जांपल ले लें, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम। हाइड्रोजन तो वैसे हैलोजन्स में भी रखा जाता है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में भी इसको ले सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज डिक्रीज तो कर रही हैं, लेकिन कुछ कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो कॉन्स्टेंट भी हो जाती हैं। तो हाइड्रोजन से लिथियम का वैल्यू क्या रहेगा, कम, लिथियम से सोडियम का कम, सोडियम से पोटेशियम कम, रुबिडियम, सीजियम,
फ्रेंसियम कम रहता है, लगभग बराबर रहता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ क्या होते हैं, बहुत नॉमिनल चेंज हो सकते हैं, तो नेग्लिजिबल चेंज आपको बुक्स में सिमिलर वैल्यूज भी मिल सकते हैं। हाँ, अगर हम यहीं पे एक्सेप्शन देखें तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, 13th ग्रुप में एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज देखेंगे तो डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, डिक्रीज लिखा है, लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। और ऐसा एक्सेप्शन आपने गैलियम के साथ एटॉमिक रेडियस में भी देखा है, गैलियम का एक्सेप्शन आयनाइजेशन एनर्जी में भी देखा है, और अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी देख रहे हैं। और सीधा सा रीज़न है, स्कैंडियम सीरीज का जो कॉन्ट्रैक्शन है या डी ऑर्बिटल के पुअर शिलिंग इफेक्ट की वजह से जो साइज का डिक्रीज है वो सारे खेल कर रहा है इसमें। तो गैलियम में जो भी एक्सेप्शन पड़ रहे हैं उसका रीज़न बताया जा चुका है। गैलियम के ठीक पहले 3D भरा जाता है और एल्युमिनियम के ठीक पहले S भरा जाता है। तो जो D भर रहे हैं गैलियम के ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो D के इलेक्ट्रॉन की शिलिंग इफेक्ट बहुत पुअर होती है, इस वजह से इसमें एक्सेप्शन आता है एटॉमिक रेडियस में भी, आयनाइजेशन एन्थैल्पी में भी, और अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने पढ़ ली। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म कटायन बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, एक भी कर सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, सो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इट्स मेटेलिक कैरेक्टर। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी है। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, उतना बेटर मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ये आयनाइजेशन एनर्जी को भी डिपेंड करता है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना कम एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन उतना ईजिली लॉस होगा, जितना ईजिली लॉस होगा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। सो इट इंक्रीजेस, इट मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर with decrease in ionization energy. अगर हम नॉन मेटलिक कैरेक्टर की बात करें, सो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म एनायन by accepting electron or electrons is called its metallic, non-metallic character. It depends upon tendency
ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो एबिलिटी होती है वो सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है. आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम, इलेक्ट्रॉन उतना ईजिली लॉस हो जाएगा. लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी देखते हैं तो दो कंसेप्ट है. एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड है, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दोनों ही इलेक्ट्रॉन एटम, किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में बात करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड स्टेट में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी के बारे में बात करता है. तो सवाल यह है कि हम नॉन मेटेलिक करेक्टर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से देखेंगे या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो एब्सोल्युटली कोई भी एक कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है. जनरल कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को मिला के बनता है. तो यहाँ पर इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइंड नहीं है कि नॉन मेटेलिक करेक्टर को क्वांटिटेटिवली आप डिफाइन कर पाएं किसका कितना ज़्यादा किसका कम. हाँ, कम ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर की डिफाइंड नहीं है. तो अगर हम इनका पीरियोडिक ट्रेंड देखें, मेटेलिक करेक्टर का और नॉन मेटेलिक करेक्टर का, दो ट्रेंड देखते हैं. पहला, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, यहां पर अगेन इन पीरियड लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट राइट जाने पर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. अगर यही बात ग्रुप में कहें टॉप टू बॉटम होगा. सो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. डिक्रीज का रीजन क्या है, एटम का साइज कम होता जाता है तो इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है. और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप हो रहा है, उसका रीजन क्या है, एटम का साइज बढ़ने की वजह से आयनाइज एनर्जी कम होती जा रही है. यहां पर देखते हैं इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. तो मेटेलिक करेक्टर कहाँ ज़्यादा है, लेफ्ट में और बॉटम में. तो इसका मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल को ऐसे ही डायगोनली कट कर दीजिए तो लेफ्ट और बॉटम वाले मेटल होंगे और टॉप और राइट वाले होंगे नॉन मेटल. इनके बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट मिलते हैं जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर दोनों ही शो करते हैं, इनको बोला जाता है मेटलॉइड. अब मेटलॉइड जो है वो सारे के सारे रखे गए हैं पी ब्लॉक में. मेटल एस ब्लॉक में सारे मेटल हैं, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स हैं, और पी ब्लॉक में कुछ मेटल्स हैं. नॉन मेटल्स सारे के सारे पी ब्लॉक में प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को एस ब्लॉक का भी मान सकते हैं, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर भी मान सकते हैं. एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये फर्स्ट ग्रुप का ही मेंबर है, लेकिन
इसके आयन एनर्जी बहुत हाई होती है, नॉन मेटल्स के इक्विवेलेंट होती है, इस वजह से ये 17th ग्रुप का भी मेंबर है। तो पी ब्लॉक के काफ़ी मेटल्स, सारे मेटल्स नहीं, पी ब्लॉक के काफ़ी एलिमेंट्स और हाइड्रोजन नॉन मेटल्स होते हैं, और मेटल्स होते हैं एस डी एफ और पी ब्लॉक के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो एस डी एफ तो प्योरली मेटल है, पी वाला मेटल भी है नॉन मेटल, और बीच में मेटलॉइड भी आता है। तो मेटलॉइड्स का एग्जांपल हम अलग से दे दे रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो 12th के एनसीईआरटी में जो मेटलॉइड का एग्जांपल दिया है, 13th ग्रुप में तो कोई नहीं दिया है। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सारे होते हैं, तो हम उन्हीं को क्लासिफाई कर लेते हैं। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो सारे के सारे क्या होंगे? मेटल्स। तो अगर हम पी ब्लॉक में एलिमेंट्स देखें तो हम एलिमेंट्स कौन कौन सा पढ़ते हैं? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नोबेलिक एसिड्स को भी छोड़ दे रहे हैं। बोरॉन फैमिली में कौन कौन है? एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, जो मैनमेड एलिमेंट उसको भी छोड़ दे रहे हैं। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम एंड प्लम्बम, टिन और लेड इसको बोलते हैं। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टिबियम यानी एंटीमनी और बिस्मथ। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इनमें अगर हम मेटलॉइड देखें, आप 10th के एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें बी बोरॉन को भी मेटलॉइड में रखा गया है, लेकिन 12th के एनसीईआरटी देखेंगे तो सिलिकॉन जर्मेनियम है, आर्सेनिक एंटीमनी है। एक एक एलिमेंट नीचे आते जा रहे हैं और दो दो एलिमेंट ले रहे हैं, फिर टेलेरियम एंड पोलोनियम, 2 to 4 to 6 क्या हो गए? मेटलॉइड। लेकिन कई किताबों में आपको बोरॉन भी मेटलॉइड के रूप में लिखा जाएगा और एस्टेटिन भी मेटलॉइड के रूप में मिलेगा। देखिए कोई भी मेटलॉइड जो होता है उसमें मेटल नॉन मेटल दोनों के करेक्टर होते हैं, लेकिन कोई एक करेक्टर जो होता है वो दूसरे करेक्टर से ज़्यादा डोमिनेंट होता है। इसका मतलब अगर हम एलिमेंट्स को चाहें सिर्फ मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई करना तो कुछ मेटलॉइड नॉन मेटल में रख दिए जाएंगे और कुछ मेटलॉइड मेटल में रख दिए जाएंगे। जैसे बोरॉन को अगर सिर्फ मेटल नॉन मेटल में क्लासिफाई करना तो ये नॉन मेटल के ज़्यादा क्लोज होगा। ऐसे ही सिलिकॉन को भी मेटल नॉन मेटल में क्लासिफाई करना है तो ये नॉन मेटल के ज़्यादा क्लोज होगा। एंटीमनी ये मेटल के ज़्यादा क्लोज होगा। पोलोनियम ये मेटल के ज़्यादा क्लोज होगा। एस्टेटिन ये भी मेटल के ज़्यादा क्लोज होगा। तो इसका मतलब ये नीचे वाले जितने आपको मिलते जाएंगे वो मेटल के ज़्यादा क्लोज होंगे और ऊपर वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर ऊपर में जो रहेंगे वो ज़्यादातर नॉन मेटल के ज़्यादा क्लोज होंगे। तो ये किस्सा है। बोरॉन एस्टेटिन थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम, आर्सेनिक एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम ये मेटलॉइड्स हैं। तो बाकी जो बच गए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। कितने एलिमेंट हो? 4 + 3 = 7 + 2 = 9 + 1 = 10 और हाइड्रोजन 11। 11 नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं और पी ब्लॉक में खूब डिटेल में इन्हीं की बात की जाएगी। तो फिलहाल ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंस का टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा नहीं, लेकिन पूरी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, पी ब्लॉक की स्टडी, सब में खूब सारा उसका इस्तेमाल होगा। एंड द टॉपिक इज वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी टर्म तो आपने 9th-10th में भी सुना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में शायद ना सुना हो। और अगर डिफरेंट पेपर्स जैसे NTSC वगैरह के जो लोग देते हैं 9th-10th में, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कम्पिटिटिव पर्पज़ से। वैलेंसी सिंपली क्या है? सिंपली इट इज
डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, किसी भी एलिमेंट के किसी एक एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है वही उसकी वैलेंसी कही जाती है। अब जो वैलेंसी होते हैं वो दो तरीके की वैलेंसी होती है, एक होती है कोवैलेंसी और एक होती है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब ये कोवैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऑब्वियसली दैट विल बी कोवैलेंट बॉन्ड। formed by an atom in its covalent molecule or compound with all the atoms around it. और एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एटम के न्यूक्लियस उसको पुल करते हैं। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की जगह नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड an atom in its covalent molecule or compounds। कभी कभी यह भी आपको पढ़ने को मिलेगा कोवेलेंसी में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाई एन एटम, एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतना बॉन्ड बनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे चल के आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट, उसमें एक एटम एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरा एटम उसी बॉन्ड को बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है। तो इसका मतलब कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इन जनरल ऐसा होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो एक बॉन्ड बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दो बॉन्ड बनाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो तीन बॉन्ड बनाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड के बेसिस पे अगर आप कोवेलेंसी को डिफाइन करेंगे तो ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगा, मोस्टली एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर एटम इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंसी। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दूसरा उसको गेन कर रहा है। जो लॉस कर रहा है वो कटायन बना लेगा और जो गेन कर रहा है वो एनायन बना लेगा। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में आयन्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए आयनिक बॉन्ड नाम है। और आयन के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा। तो एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही उसकी आयनिक वैलेंसी होगी। तो ये है कोवैलेंसी एंड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब दूसरा जो कंसेप्ट हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। शॉर्ट नोटेशन में इसको OS से लिख रहे हैं या आप कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ेंगे। कई लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि ये अलग कंसेप्ट वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा कोई डेफिनेट रूल नहीं है। सबकी अपनी अपनी केमिस्ट्री है,
ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर को इंटरचेंजेबली लोग यूज़ करते रहते हैं। तो इसकी डिटेल जो है वो बताया जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन में, लेकिन अभी इसके बारे में जनरल बात कर लें। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा तो आएगा चार्ज। कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग में भी अगर दो एटम डिफरेंट है, जैसे एच और सी एल के बीच में शेयरिंग हो रही है, तो ये शेयरिंग बराबर नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक जैसे नहीं है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ चले जाते हैं ज़्यादा दूसरे के कंपेरिजन में, तो इसको अनइक्वल शेयरिंग करते हैं, और अनइक्वल शेयरिंग में भी पार्शियल लॉस गेन हो रहा है। तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में बन रहा है, तो वहाँ पर भी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्शियल होता है, और आयनिक बॉन्ड में तो कंप्लीट लॉस और गेन होता है। तो जब पार्शियल लॉस और गेन होगा तो यहाँ पर पार्शियल चार्जेस आते हैं। अगर यहीं पे सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस वन और क्लोरीन एक गेन करके माइनस वन बनाता है। तो हम बोलेंगे सोडियम और क्लोरीन की आयनिक वैलेंसीज वन वन है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसलिए आयनिक वैलेंसी वन, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए आयनिक वैलेंसी वन, और यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की कोवैलेंसी वन वन है। लेकिन यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के एग्जैक्टली मिड में नहीं रहेगा, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेगा इंक्लाइंट। तो जब पार्शियल लॉस गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्शियल गेन कर रहा है क्लोरीन, तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। किसी भी तरीके से ये जो चार्ज आ रहा है, इसी चार्ज को ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। लेकिन खास बात क्या रहेगी, पार्शियल चार्ज को भी हम कंप्लीट चार्ज मानेंगे, यानी यहाँ पर प्लस डेल्टा चार्ज है, डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल। तो यहाँ प्लस डेल्टा को प्लस वन मानेंगे, माइनस डेल्टा को माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन प्लस वन ऑलरेडी है। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन की वजह से, चाहे वो पार्शियल लॉस गेन हो, तब भी हम कंप्लीट लॉस गेन मानते हैं, और आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट लॉस गेन है उसकी वजह से जो चार्ज आ रहा है। सो चार्ज ऑन एन एटम इन इट्स एनी स्टेट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई लॉस गेन नहीं हुआ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है। जो लॉस करेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आएगा, जो गेन करेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आएगा, और पार्शियल चार्जेस को भी कंप्लीट चार्जेस मानेंगे, पार्शियल लॉस गेन को भी कंप्लीट लॉस गेन मानेंगे। सो नेट चार्ज ऑन एन एटम इन इट्स एनी स्टेट, एनी स्टेट का मतलब ऐसा नहीं कि यूपी बिहार महाराष्ट्र, सॉलिड हो लिक्विड हो गैस हो फ्री हो बॉन्डेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट चार्ज जो होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। नेट चार्ज ऑन एन एटम इन इट्स एनी स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, जो इंपॉर्टेंट बात है वह यहां पर क्या है, देखिए स्याही छलक गई, फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कह सकते हैं ऑफ एनी एटम पार्शियल चार्जेस आर आल्सो कंसीडर्ड एज कंप्लीट चार्जेस, दस द पार्शियल लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पार्शियल लॉस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
आर कंसिडर्ड एज कंप्लीट लॉस एंड गेन। एग्जाम्पल अगर देखें इनका, तो NaCl और HCl में ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें Na प्लस है, Cl माइनस है, इसमें H है और Cl है, Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा क्लोज होंगे। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया था। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ शेयर्ड है। दोनों इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन की तरफ आएंगे तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये दोनों में से कोई एक मेटल होता तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता और दूसरा गेन कर लेता, लेकिन अभी दोनों नॉन मेटल हैं तो दोनों शेयर कर रहे हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट नॉन मेटल हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है, तो यहाँ पर इक्वल शेयरिंग नहीं होगी। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल करेगा तो उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और दूसरे वाले के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब इनका जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ कंप्लीट चार्ज प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, कंप्लीट चार्ज माइनस वन, यहाँ प्लस डेल्टा है लेकिन हम इसको प्लस वन मानेंगे, माइनस डेल्टा को माइनस वन। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के बीच में बनने वाले कोवेलेंट बॉन्ड को जब हम 100% आयनिक मान लेते हैं तब जो चार्ज आता है वो ऑक्सीडेशन नंबर है, और अगर आयनिक बॉन्ड है तो कंप्लीट चार्ज ऑलरेडी है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर को और डिटेल में हम रिडॉक्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ा है ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी हम कहते हैं, उनके जो जनरल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो कौन से वैल्यूज होते हैं उनको पहले हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज, चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन कितना गेन कर सकता है, कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है तो कोशिश करता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 8 के जितने क्लोज उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे ऑलरेडी वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की उतनी टेंडेंसी रखेगा। जैसे अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो कोशिश करेगा तुरंत 8वां मिल जाए, यानी माइनस वन चार्ज हो तुरंत चाहेगा। जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे यानी माइनस टू चार्ज होल्ड करना चाहेंगे, लेकिन 7 वाले ने जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी दिखाई है उससे कम टेंडेंसी रहेगी 6 इलेक्ट्रॉन वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 गेन करना चाहता है, ज़्यादा गेन करना चाहता है तो ये टेंडेंसी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 4 वाला 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 4 लॉस भी कर सकता है। अब अगर किसी के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 5 गेन करेगा या तो 3 लॉस करेगा, तो 3 लॉस करना आसान है तो वो प्लस 3 चार्ज लाएगा, माइनस 5 नहीं लाएगा। ऐसे ही अगर किसी के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो या तो 6 गेन करे तब 8 कंप्लीट होगा, या तो 2 अपना लॉस कर दे। तो 2 लॉस करना आसान है इसलिए प्लस 2 चार्ज फेवर करता है, माइनस 6 नहीं। तो इसी लिहाज से कितना इलेक्ट्रॉन कोई गेन कर सकता है, कितना कोई लॉस कर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसीज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये प्रॉपर्टीज हम देखने जा रहे हैं सिर्फ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप होते हैं आप देखते हैं वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, फर्स्ट ग्रुप होता है, सेकेंड ग्रुप होता है एस ब्लॉक में, और उसका 13 से लेकर 18 तक ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट ग्रुप याद कीजिए, फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप जो कहा जाता है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में रोमन नंबर्स में फर्स्ट ए भी कहा जाता था। तो इनमें एलिमेंट्स कौन कौन हैं, हाइड्रोजन जो कि 17 में भी रखा जाएगा, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, जिसमें से फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है। अब इनका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वैलेंसी 1, इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके ऊपर प्लस 1 चार्ज आएगा, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। सिर्फ प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये एग्जिबिट करते हैं एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये प्रूफ है कि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। हाइड्रोजन की सिमिलरिटी एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप और पी ब्लॉक में 17 ग्रुप एलिमेंट दोनों से होती है, तो प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करना ये इस बात का सबूत है कि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। और भी तरीके हैं, हाइड्रोजन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दूसरा अगर हम ग्रुप देखें तो दूसरे ग्रुप को याद कीजिए, सेकंड ए भी कहा जाता है, टू। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम रेडियो एक्टिव है। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेंगे या तो 6 गेन करेंगे। 2 लॉस करना आसान है तो इसलिए ये मुश्किल काम नहीं करते हैं, आसान सा काम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, वैलेंसी 2 हो गई जनरल, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो प्लस 2 चार्ज आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 रहेगा। लेकिन जब आप 13th ग्रुप से बात करते हैं, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th and 18th ग्रुप में, तो बताया गया है मॉडर्न एनसीईआरटी में जो इनको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया तो इनको बी सब ग्रुप माना गया। कौन सा होता है? 3rd B, 4th B। पहले इसको ए माना जाता था लेकिन 2 कन्वेंशन है क्लासिफिकेशन की, हम प्रेडिक्टेबल में पढ़ा चुके हैं पहले, 3rd, 4th, 5th B, 6th B, 7th B, 8th B। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 13 में? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नाइहोनियम भी होता है, मैनमेड है, उसकी स्टडी ज़्यादा नहीं होती इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो 7th पीरियड के एलिमेंट जो है पी ब्लॉक के उनको हम नहीं लिखेंगे। 14th ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, स्टेनम एंड प्लम्बम। 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसको एसटीबीएम बोलते हैं इसलिए एसबी सिंबल है। 16th में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम भी रेडियोएक्टिव है, बिस्मथ तक स्टेबल एलिमेंट पाए जाते हैं, ये सब बातें कर चुके हैं हम। 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन भी रेडियोएक्टिव है। और 18th ग्रुप में, अच्छा 17th में हाइड्रोजन को फिर दोबारा आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन दोनों ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यहां पर आएगा हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, जिसमें एस्टेटीन रेडियोएक्टिव है। 18th ग्रुप के मेंबर्स में देखेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन भी लिख देते हैं रेडियोएक्टिव, जिसमें से हीलियम को स्पेशल दर्जा है और हम जो जनरल बात करेंगे वो बाकी सब के बारे में बात करेंगे। अब इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो देखिए ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर है। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इन सबके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इनमें 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 है। सिर्फ हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि वैलेंस शेल उसका फर्स्ट है और फर्स्ट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, तो ये 8 सबके लिए है हीलियम को छोड़ के। अच्छा अब अगर वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है तो इनकी जनरल वैलेंसी कितनी होगी? तो देखिए वैलेंसी
वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन अगर 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक, तो ये वैलेंसी के बराबर होता है, यानी इसकी जनरल वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4। और अगर वैलेंसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 या उससे ज़्यादा है, तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करके तब वैलेंसी आती है। तो यहाँ पर 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3 जनरल वैलेंसी, इसमें जनरल वैलेंसी 2, इसमें जनरल वैलेंसी 1, और इसकी जनरल वैलेंसी देखेंगे 0, यानी ये बॉन्ड नहीं बनाते। तो जो जनरल वैलेंसी है कैसे निकालेंगे, वैलेंसी इज इक्वल टू xn, xn इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल, इफ xn इज इक्वल टू 1 to 4 एंड वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस xn इफ xn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो जब xn की वैल्यू 4 है, तो इसको वैलेंसी करेंगे, 8 माइनस 4 करेंगे, तब भी 4 वैलेंसी आएगी। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 8 में से माइनस करके जनरल वैलेंसी आती है। अब बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, यानी इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन की। तो देखिए, पी ब्लॉक में अगर आप शुरू में देखेंगे, बोरॉन नॉन मेटलिक करेक्टर प्रीडोमिनेंट है, कार्बन सिलिकॉन में नॉन मेटलिक करेक्टर प्रीडोमिनेंट है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक सल्फर हाइड्रोजन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन, इन सब में नॉन मेटलिक करेक्टर प्रीडोमिनेंट है। नॉन मेटलिक करेक्टर यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट अपना पूरा करना चाहेंगे, एनायन बनाना चाहेंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, गेन करने की दो शर्त है। पहली शर्त, मैक्सिमम कोई उतना गेन कर सकता है जिससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसमें कोई भी गेन नहीं होगा, जीरो चार्ज इसके ऊपर आएगा। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से -1 चार्ज आएगा, -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -2 चार्ज आएगा, -2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। 4 वाला 4 गेन कर सकता है तो -4 ये आएगा। अब इनके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और बी में अगर नॉन मेटलिक करेक्टर ज़्यादा है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके। लेकिन गेन करने की दूसरी शर्त क्या है, पहली शर्त तो ये है कि जितना मिल के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो देखते गए। लेकिन वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा भी किसी को गेन नहीं हो सकता, तो ये चाहता तो है 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना, लेकिन वैलेंस सेल में इसके सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 से ज़्यादा गेन नहीं कर सकता। ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहता है, 4 है भी तो 4 मिल जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और चाहता केवल 3 है, जितना है उससे कम अगर चाहेगा तो मिल जाएगा आसानी से। तो इसका मतलब 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को 1 इलेक्ट्रॉन मिलना सबसे आसान है, उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है 16 वाले को 2 इलेक्ट्रॉन मिला, उससे और मुश्किल होता है 3 इलेक्ट्रॉन मिला 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को। ऐसे बढ़ते बढ़ते बोरॉन ग्रुप के यानी 13th ग्रुप के एलिमेंट्स को 5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिल सकता, 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है तो इनको 3 में ही खुश रहना पड़ेगा, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, तो इनका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगा। लेकिन इनमें मेटलिक करेक्टर भी आता है, और जब कोलेन कंपाउंड बनेगा, जैसे बोरॉन कार्बन का कंपाउंड बना, बोरॉन ऑक्सीजन का कंपाउंड बना, तो इसमें भी कोई एक एलिमेंट दूसरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो सकता है। तो जब डिफरेंट एटम के साथ ये जुड़ेंगे, तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ नॉन मेटल जुड़ते हैं, तो नॉन मेटल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। नॉन मेटल कटायन नहीं बनाते, लेकिन उनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी नॉन मेटल जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पार्शियल चार्ज को भी हम कंप्लीट चार्ज मान लेते हैं। अब हम देखेंगे इसमें पार्शियल चार्ज कितना आ सकता है या ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना हो सकता है। तो देखिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आता है। जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 पूरा लॉस कर सकता है, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। मिनिमम -3, मैक्सिमम +3, इसके बीच के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं। कार्बन फैमिली में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम +4 हो सकता है। देखिए, लॉस करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये जीवन का भी रूल है। आपको बर्बाद करना है अपने आप को तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने आप को आबाद करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए दो शर्तें हैं, आपकी इच्छा कितनी होती है, आप कितने से सेटिस्फाई हो सकते हैं,
और दूसरा ये कि आपकी इच्छा तो खूब हो रही है, आप उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट रैंक बाय नीट में आ जाए, और आप चाहते हैं कि हम 2 ही घंटा पढ़ें? तो ये पॉसिबल नहीं है। आप चाहते हैं कि खूब सारा पढ़ लें और किसी तरीके से मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो बड़ा आसान काम है। मेहनत ज़्यादा, यानी आप कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहे हैं और इच्छा कम रखते हैं, तो हासिल करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन कम है और इच्छा ज़्यादा है, तो हासिल करना मुश्किल है। इनके वैलेंस शेल में जो है उसको 8 करना, ये इच्छा है। ये 3 से 8 करने के लिए 5 की इच्छा रखता है, लेकिन ये 3 ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो कंट्रीब्यूट कम कर सकता है, तो उसको मिल नहीं सकता। जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता है। क्लियर है? लक की बात छोड़ दीजिएगा। तो जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कभी उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। ये रूल है, साइंटिफिक रूल है। ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 3 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता, तो इसको 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये 4 लॉस कर सकता है, तो 4 मिल सकता है इसको। ये 5 लॉस कर सकता है, तो इसको 5 मिल सकता है, लेकिन इसकी इच्छा ही नहीं है। देखिए, जिसकी देने की हैबिट होती है ना, उसकी चाहने की हैबिट, पाने की हैबिट थोड़ी कम हो जाती है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, लेकिन ये गेंस केवल 3 करना चाहता है, इसलिए इसको 3 मिलना इसके कंपेरिजन में आसान है। ये 6 लॉस कर सकता है और चाहता केवल 2 है, तो इसको 2 मिलना और आसान, तो इसका -2 और ज़्यादा स्टेबल होगा। ये 7 लॉस कर सकता है, लेकिन गेन 1 ही करना चाहता है, तो -1 यानी निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल इसी का होगा, यानी सबसे ज़्यादा नॉन मेटल के ही है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हैलोजन्स की ही होती है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आगे भी आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 पूरा लॉस करेगा। यहाँ पर 6 है, 6 पूरा लॉस करेगा। यहाँ पर 7 है, 7 पूरा लॉस करेगा, तो +7 चार्ज आएगा। और इनका 0 ही रहेगा, क्योंकि न तो ये लॉस करना चाहते हैं न तो गेन करना चाहते हैं, इसलिए इनको नोबल बोला जाता है। ये इंट्रैक्ट नहीं करते किसी से। बाद में पढ़ेंगे कि इनके भी कंपाउंड्स बनते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट नहीं है, तो फ्लोरीन कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर +7 जो है, यानी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट, ये फ्लोरीन के लिए वैलिड नहीं है, एक्सेप्ट ओनली -1 फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन +7 तक नहीं जाएगा। यहां पर एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन ओनली अप टू +2। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, याद कीजिएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैंने पढ़ाया था, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो फ्लोरीन का सिर्फ निगेटिव ऑक्सीजन स्टेट होता है, पॉजिटिव होता ही नहीं है। और ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव सिर्फ फ्लोरीन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा और 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लॉस कर सकता है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट सिर्फ +2 तक आएगा। और अगर सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम की बात करेंगे तो +6 तक जा सकता है। तो ये बातें कंप्लीट हो गई। आगे चल के हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की डिटेल तो वहाँ पर बताएंगे, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक और ख़ास बात बता दें। इनकी जो वैलेंसी है, तो जनरल वैलेंसी है, आगे चल के आप इनके अदर एक्सटेंडेड वैलेंसी भी देखेंगे। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक ख़ास बात क्या होती है? ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, आगे चल के देखेंगे कि वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं। तो ये जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ऑड ग्रुप से बिलोंग करता है उनके ऑड वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो इवन ग्रुप से बिलोंग करता है उनका इवन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होते हैं। इसका मतलब 15th ग्रुप की जो वैलेंसी है 3, -3 से +5 देखा है, तो इसके जो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सारे प्लस, +1 +2 +3 +4 हो तो सकता है, लेकिन जो कॉमन है वो +1 +3 +5 होगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट कितना है? +6। इससे अगर कम शो करेगा तो +5 भी कर सकता है, लेकिन जो कॉमन होगा वो +6 के बाद +4, उससे कम +2। यानी इवन के लिए इवन और ऑड ग्रुप वाले मेंबर्स के लिए ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। और ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे जस्ट पहले वाला जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो भी स्टेबल हो जाता है सबसे लास्ट मेंबर में। जैसे यहाँ पर थैलियम, यहाँ पर लेड, यहाँ पर बिस्मथ, इन मेंबर्स में +3 से जस्ट नीचे कॉमन क्या आएगा? +1। ऑड वाले के लिए ऑड आएगा, यानी अल्टरनेट ऑक्सीडेशन स्टेट इसके कॉमन होते हैं। +4 के बाद +2,
वैसे तो माइनस फोर से प्लस फोर में प्लस टू आ ही जाता है, लेकिन हम अलग से एक ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट मेंबर में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, थैलियम में प्लस वन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है उसको बाद में पढ़ाया जाएगा, उसका रिजल्ट हम यहाँ पर लिखते रहे। तो बताइए बिस्मथ में ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट कौन होगा? प्लस फाइव से ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे कम वाला है कौन सा? प्लस थ्री। क्लियर है? इनर्ट पेयर इफेक्ट इन तीन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत जनरल बातें और कुछ बहुत स्पेशल बातें कर ली। हो सकता है कि बहुत स्पेशल बात जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात, अल्टरनेट ऑक्सीजन स्टेट की बात, ये आपको थोड़ा बहुत अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए घबराइए मत। केमिकल बॉन्डिंग में और पी ब्लॉक में ये फिर से डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ इनके बेस पे क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन, यानी मान के चलिए 1% क्वेश्चन बुक्स में कुछ एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इसलिए हमने कुछ बातें यहाँ पर कंप्लीट कर दी हैं। जनरल बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जनरल बात क्या होती है? जो शुरू में बात करते हैं किसी भी टॉपिक के शुरुआत में जो बातें की जाती हैं वो सबसे जनरल बात होती है, और जो सबसे आखिर में किसी टॉपिक के बात की जाती है वो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे ये प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री लिखा है, ये इसके स्पेशल पॉइंट्स हो गए। तो ध्यान रखिएगा इनको। इसके साथ वैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करेंगे, एनोमलस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप की बात करेंगे। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो जनरल लेक्चर की थ्योरी में कवर्ड है क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो जनरल लेक्चर की थ्योरी में कवर्ड नहीं होते, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम क्लास में ही डिस्कस कर देंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस में लोगों को प्रॉब्लम आती है। और ऐसे ज़्यादातर वो क्वेश्चन हैं जो आगे के चैप्टर से रिलेटेड हैं लेकिन पीरियोडिक टेबल में उठा कर रख दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के कंप्लीशन के साथ हम एक राहत की सांस लेंगे। और वैसे भी एक चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल आगे के चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, और उसका मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया है। जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ बात है जिसमें से नेचर ऑफ ऑक्साइड बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।